ड्रग तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अल्मोड़ा में SOG व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। नगर के बेस तिराहे के पास से हल्द्वानी निवासी एक 19 साल के युवक से 27.80 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 2,78,000 बताई जा रही है। SSP ने पुलिस टीम को 2,500 के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। तो वहीं SSP प्रदीप कुमार रॉय ने कहा कि CM व DGP के निर्देश पर नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्करों को जड़ तक पहुंचने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे DGP साहब, इन दोनों का ये निर्देश था कि पूरे प्रदेश में विशेषकर ड्रग्स पे विशेष कार्रवाई की जाए। और उसी तरह कल आज अर्ली मॉर्निंग यानी कि 5 तारीख और 6 तारीख की रात को करीब 27.8 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, और जिसमें जिसकी कीमत 2,78,000 रुपये व्यापारिक कीमत है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में बिक रहा है, जैसा मुझे मैंने गोपनीय सूत्रों से मालूम चला है कि 1 ग्राम से ये लोग 8-10 पुड़िया बनाते हैं और उसको 1,000 में बेचते हैं, तो उस तरह एक बहुत बड़ी मात्रा है। और जो हमारे युवा हैं उनको बर्बाद करने के लिए ये मात्रा काफ़ी थी। इसके लिए हमारी जो SOG और स्थानीय पुलिस बधाई के पात्र हैं इनाम, तथा साथ ही जो हमारी अल्मोड़ा की पुलिस और अल्मोड़ा के SOG टीम ने जो पकड़ा है, स्मैक पकड़ा है, इनके लिए भी 2,500 रुपये के इनाम दिए गए।